क्या देख रहा हूं, बताता हूं आपको। मुझे है, जाएगा यहां पे। हाथ से जगह मत दीजिएगा मैं ढूंढ रहा हूँ क्या इसमें वेंटिलेशन का विकल्प दिया गया है नहीं दिया है कि मेरी गाड़ियाँ ऐसे नहीं होती है नहीं सर टच नहीं है कुछ ज्यादा तेज गिर गया चलना शुरू कर दूँ स्टेप वाइज देखिए कितने स्टेप रखने पड़ेंगे इस गाड़ी को पूरे करने के लिए ऑटोमोबाइल में जब बात लग्जरी की आती है तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आपके जहन में आ जाती होंगी और मेरे साथ अभी मर्सिडीज़ की एक ऐसी गाड़ी है जिसने अपनी जो शुरुआत की थी ना 1994 में की थी और तब से लेकर अब तक 17 मिलियन यूनिट ई क्लास की मर्सिडीज बेच चुकी है और मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है ये ऑल न्यू लॉन्ग व्हील बेस ई क्लास है और इस गाड़ी में क्या कुछ बदला है क्योंकि ये लंबाई में फोर्टीन एम एम बड़ी हो गई है व्हीलवेज भी फिफ्टीन एम एम बड़ा है इसके बावजूद इसमें जो कुछ और लग्जरी ऑफर की गई है आज के ज़माने के फीचर्स दिए गए हैं और अब जब आप इसे खरीदेंगे तो क्या कुछ मिलेगा यही मैं बताने जा रहा हूँ अपने इस वीडियो में तो आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाएँ क्योंकि यहाँ पर लग्जरी भी देखते हैं और आम जनता की भी गाड़ियाँ देखते हैं तो कुल मिलाकर ऑटोमोबिल की जो कहानियाँ होती हैं पूरी तरीके से यहाँ पर परिभाषित होती हैं तो चलिए शुरू करते हैं के सपने पूरे होने में कोई अड़चन नहीं आती है उनके सपने पूरे करके ये गाड़ी गराज में खड़ी हो जाती है तो इस ई क्लास में फ्रंट में आपको क्या मिल जाता है तो देखिए सामने से जो चेंज मिलेगा देखिए लोगो तो ही मिलने वाला है ये लोगो आपको यहाँ पर का मिल जाएगा ये ट्राई एयर आप देखेंगे छोटा छोटा इंसर्ट के साथ में यहाँ पर बहुत खूबसूरत बनाता है यहीं पर आपको सेंसर दो सेंसर यहाँ में मिलेंगे और यहाँ पर एक मतलब चार सेंसर फ्रंट में मिल जाते हैं यहीं पर आपको एक कैमरा मिल जाएगा क्योंकि थ्री डिग्री कैमरा इसमें क्योंकि भैया जो लग्जरी ऑफर करते हैं यहां पर मिलना जरूरी है और कुल मिलाकर एक ग्रिल बहुत ही अच्छा लग रहा है अगर ध्यान से देखेंगे और साथ में ये देखेंगे जो अप्रोच एंगल दिया गया है एक सेडान के लिहाज से एक लग्जरी सेडान के लिहाज से काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहा है मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई है हालांकि जब हम ड्राइव करेंगे तब बताएंगे वहाँ पर कि टकराई है या नहीं क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस है जिसमें भर भर के आपको लग्जरी मिलने वाली है हेडलैंप सेटअप ये देख सकते हैं यहाँ यहीं पर आपको मैं एक ही भी दिखाऊँगा तो किसे कितने हो जाए काम हो जाएंगे अनलॉक करिएगा और एक ख़ूबसूरती आपका वेलकम करेगी तो मर्सिडीज़ का ये जो आपको एल हाई परफॉर्मेंस लैम्प मिलता है बहुत अच्छे से यहां पर दिया गया है मुझे पक्का पता है कि बहुत अच्छी से रोशनी देगा लेकिन टेस्ट करेंगे तो वहां बताएंगे चाबी में और क्या है यहीं से आप लॉक कर सकते हैं इस बटन से और यहाँ से आप जब दबाएंगे तो आपका बूट एक्सेस हो जाएगा इस गाड़ी का तो फ्रंट में मुझे तो काफ़ी बैलेंस लुक नज़र आ रहा है और जो बदलाव किए गए हैं अगर पहली नज़र में आप देखेंगे तो यहाँ से वो बदलाव समझ में आएंगे लेकिन बहुत सारे लोग इसे ई क्लास देख समझ जाएंगे बोनट पर जो आपको लाइनिंग दिखेगी ये काफ़ी परफेक्ट नज़र आ रही है एरोडाइनमिकली काफ़ी करेक्ट नज़र आ रही है तो एक स्लोपिंग रूप की तरफ ऐसे बहता हुआ चला जाता है और जब ये ड्राइव करेगी तो इसका पूरा फायदा इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा और आपकी लग्जरी कहीं नहीं जाएगी यह मैं श्योरिटी दे सकता हूं अब मैं आपको दिखाता हूं साइड से क्या कुछ इसमें मिलता है अगर इस गाड़ी को आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मे का एक स्टाइल यहाँ पर समझ में आने वाला है बहुत लंबी है अगर मैं इसे चलना शुरू कर दूँ स्टेप वाइज देखिए कितने स्टेप रखने पड़ेंगे इस गाड़ी को पूरे करने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ आप गिर लीजिए मैंने गिरा नहीं है आपको बता दूँ पाँच मीटर से ज़्यादा लंबी ये गाड़ी बहुत कुछ ऑफर करती है इसके इंटीरियर में जिसका जिक्र बाद में किया जाएगा और यहाँ पर क्या मिलता है तो जब सी ये आप एक्सेस करेंगे तो इस तरीके से जैसे प्लस आउटडोर हैंडल आते हैं ना बंद होते हैं और ये बाहर आते हैं बहुत ही खूबसूरत है और एक चीज़ यहीं पर दिखा देता हूँ आपको अगर इस दरवाजे को बंद करना है एक कस तक लाइए छोड़ दीजिए अब देखिए ये अपने आप बंद हो जाता है तो ये जो सॉफ्ट क्लोज है ना ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और दिल मतलब कैसे अमून लोग क्या करते हैं ऐसे किया बंद कर दिया तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर लाइएगा और यहाँ छोड़ दीजिएगा अगर आप इस गाड़ी में बैठ भी रहे हैं नहीं ख़रीद रहे हैं तो कैसे अंदर जाता है ये आप देख लीजिएगा बड़ा विंडो एरिया और यहाँ पर क्रोम की पट्टी आपको खूबसूरती से नजर आएगी और यहाँ पर देखिए जो इसका ओर बन दिया गया है यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं खूबसूरती से अपना काम करते हैं पर मैं ऑन कर देता हूँ इस तरीके से आएंगे और चाबी से बाहर निकलते हैं जब आप लॉक लॉक करते हैं और यहाँ पर एक कैमरा मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो इसमें दी गई हैं ग्राउंड क्लियरेंस पहले भी बताया था और इसका जो व्हील बेस है अब पंद्रह एम एम बड़ा है तो इसका फ़ायदा आपको इसके इंटीरियर में मिलने वाला है कैसे मिलेगा उसको बाद में दिखाएंगे अब यहाँ पर जो व्हील मिलता है जिसका पैटर्न दिया गया है ये डेवल टोन में काफ़ी अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा पुराने के कंपैरिजन में अगर देखेंगे 225, सौ पच्चीस पचपन का यहां पर आपको ये R8, मतलब इसका जो व्हील का साइज है इतना रखा गया है और टायर प्रोफाइल आप यहां पर देख सकते हैं कौन सा इन्होंने दिया है और काफी मतलब नेक्सन टायर यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है ये पहली बार मैं देख रहा हूं यहाँ पर फिलहाल यहां पर इन्होंने इस तरीके से दिया है गैप वगैरह काफी अच्छा है और यहां पर जब बैठेंगे लग्जरी क्यों आपको ज्यादा मिलेगी सैडान कारों में क्यों लग्जरी मिलती है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम रखा जाता है जिससे केबिन में भर भर कर जगह मिल जाती है और टैंक यहाँ पर दिया गया है देखिए ये डीजल जिस गाड़ी का हम वॉक अराउंड कर रहे हैं ये डीजल वाली है पेट्रोल में भी आती है और यहाँ पर डी टैंक इधर और यहाँ पर डीजल टैंक मिल जाता है भैया बंद कर दीजिए और ये आराम से बंद हो गया अब मैं आपको रियर में दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पर और ऑफर करती है मर्सिडीज रियर तो तब दिखाऊंगा जब साइड प्रोफाइल देखने से जी भरेगा अब ये रूप देख रहा था बहुत ही अच्छा लग रहा है और जब पीछे के साइड में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिफॉगर कुछ इस अंदाज में दिए गए हैं स्टॉप माउंट लाइम पर यहाँ मिलेगा और कितनी एरोडाइनमिकली करेक्ट कार है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मतलब एक सीमलेस टच करिए देखिए यहाँ तक हाथ आ जाएगा कहीं पे ऊपर नीचे नहीं होगा तो किस तरीके से इसकी डिज़ाइन को इन्होंने दिया है लोगो मर्सिडीज़ का E320D थ्री ट्वेंटी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और ये जो टेल लैंप इन्होंने दिया है ये बहुत अच्छा मतलब ये एक अलग अंदाज़ में ये टेल लैंप अगर आप देख रहे होंगे जो जिस तरीके से दिया गया एल ई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा एक दो तीन चार चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं और ये जो डिपार्चर एंगल है ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा और झांक के क्या देख रहा हूँ बताता हूँ आपको तो एक एग्जॉस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा और एक ही मिलता है यहीं पर दो मिल जाएगा इसी में से दो आपको एग्जॉस्ट मिलेंगे आवाज़ वगैरह कैसी हो बाद में आपको सुनाएंगे जब ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा अब मेरे हाथ में चाबी है मेरे जेब में चाबी है मेरे दोनों हाथों में सामान भरा हुआ है और मुझे इसका एक्सेस करना है बूट तो देखिए तो क्या है कि जब आप इसे पैर से करेंगे तो यहाँ पर अपने आप एक्सेस हो जाएगा और एक बड़ा बूट आपको मिल जाता है ठीक ठाक सामान रखने की जगह यहाँ पर आपको ऑफर करती है मर्सिडीज और इसके नीचे आपको क्या मिलेगा तो देखिए स्पेयर व्हील भी मिल जाता है और इन्होंने दिया हुआ है हालांकि नॉर्मल वाला नहीं मिलता है जो आपको सेव करेगा मतलब अस्सी की स्पीड पर आप गाड़ी चला सकते हैं वो वाला यहाँ पर दिया गया है तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं बंद कैसे करना है दबा दीजिए और ये बंद हो जाएगा और यहीं से देख लीजिए लाइटिंग कैसी मस्त वाली नज़र आ रही है और अब बारी है इस गाड़ी के रियर सीट पर बैठकर दिखाने की क्योंकि वहाँ पर 26 से 36 एंगल पर आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं कैसे आइए दिखाते हैं ये वो जगह है जिसके लिए सपने बड़े देखने पड़ते हैं यार बहुत मुश्किल होती है मतलब पैसा कमाना तो आसान है बट अगर दिल से होता तो भैया इस गाड़ी को कमाना बहुत ही मुश्किल रहेगा क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऑनेस्टी ही नहीं आपको एक ऐसी सही दिशा वाली मेहनत करनी पड़ेगी कि आप इस सीट पर बैठ सकें और अगर आप यहाँ बैठ गए तो अपोजटी की अगर बात करें तो यहाँ पर तीन विकल्प आपको मिलेंगे एक तो ये नया रंग इसमें इन्होंने भर दिया है तो ये ब्राउन मतलब नाम ऐसे ऐसे हैं जो ले नहीं सकते और एक बेज आ जाता है और एक ब्लैक मिल जाता है मुझे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ऐसे बैठ के लंबी दूरी की यात्राएँ कर सकता हूँ और इसमें देखो क्या है कि ये सीट काफ़ी आगे और ऑलरेडी है थोड़ी और भी आगे बढ़ा सकते हैं अगर मुझे यहाँ पर और ट्रैवल करना है तो इसको थोड़ा अपने पी, अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा यहाँ पर दिया गया एडजस्टमेंट जमा लूंगा और ये बैठ आप ऐसी यात्राएँ कर सकते हैं सोते हुए मैं उसे सोते हुए बोलूँगा एक काम करता हूँ थोड़ा सा इसे इग्निशन देता हूँ जिससे मैं और अच्छे हाथ से आपको दिखा सकूँ तो भैया यहाँ पर क्या है कि ये सन ब्लाइंड जैसे आप विंडो डाउन करते हैं ना इलेक्ट्रिकली उस वैसे ऊपर हो जाएगा और सीट को आप देखिए यहाँ तक 26 से 36 बोला था तो आप पीछे ला के ला सकते हैं इसका ये भी एडजस्ट कर सकते हैं जो है ड्रेस दिया गया है इलेक्ट्रिकली कुछ भी आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट की सुविधा मिल जाती है तो आगे पीछे इस सीट को बोल से लेकर कर थर्टी तक कर सकते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखिए सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दो मिलेंगे और ये बड़ी खूब मतलब मुझे लंबी दूरी की यात्रा करनी होगी भाई साहब बहुत मजेदार और किताब उताब पढ़ना होगा लाइट यहाँ पे मिलती है ऑन कर लूँगा बंद करना बंद कर दीजिएगा और यहाँ पर भी इसके भी तीन लेवल आपको मिलेंगे जितना आपको चाहिए उतना कर लीजिएगा तो ये बहुत अच्छी है और यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो ये तकिया एक तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जो एड्रेस पे आ जाता है बट ये यसेसरीज़ का शायद पार्ट होगा नहीं मुझे लगता है इस गाड़ी में लगा के देंगे हंड्रेड और ये सीट देखेंगे तो बहुत अच्छी है अगर ये सीट ना वेंटिलेटेड होती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता लेकिन एक अच्छी चीज और मुझे लगी यहाँ पर बटन देख रहे ना ये दबा दीजिए एक बार ये जब दबाएँगे इसका मतलब ये हो गया कि इस सीट को आप ऑपरेट कर सकते हैं आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा जगह चाहिए तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा और इसका पूरा फंक्शन आपके हाथ पर रहेगा उस सीट को और आगे बढ़ा दीजिएगा क्योंकि पीछे आपने कितने पैसे खर्च किए हैं ड्राइवर रखा हुआ है अब आपको लग्जरी चाहिए तो आप ऐसे बैठ ट्रैवल कर सकते हैं तो ये लग्ज़री यहाँ पर ऑफ़र करती है और एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है खराब ही नहीं होती सब चीजें इन्होंने बी पिलर पर एसी बेंट दिया है जो कि बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है उसका कंट्रोल कहाँ दिया है ये यह देखिए यहाँ पर दिया गया अपने हाथ में एडजस्ट कर लीजिएगा पूरा अपने हिसाब से और ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर लगने वाली है मैं तो ऑटो पे लगा के छोड़ देता हूँ और यहाँ पर क्या चीज है देखिए छोटा मोटा सामान यहाँ पर भी आप प्लेस कर सकते हैं और एक अच्छे से मतलब मुझे लगता है बोतल आ जाएगा यहाँ पे और दरवाजे पर भी आप पानी की बोतल वगैरह अच्छे से लगा सकते हैं बर्मिस्टर साउंड सिस्टम मिलता है यहाँ बैठेंगे और ये पेनारोमिक सनरूप मतलब ये मतलब पेनारोमिक नहीं बोलेंगे इसे बेसिकली क्या है ये दो भागों में विभाजित संरूप है यहाँ पर एक गैप आ जाता है लेकिन ये जो ऊपर का अगर बादल वगैरह अच्छे होंगे तो आप पूरी यात्रा मंगल में तरीके से कर सकते हैं दो लोग बैठेंगे बहुत आराम से बैठेंगे तीसरे आदमी को यहाँ पर जगह मत दीजिएगा क्योंकि आपने लगभग लगभग एक करोड़ रुपए खर्च किए तो मुझे लगता है कि अगर तीसरे बंदे को बिठाओगे ना तो आपकी लग्जरी चली जाएगी तो ये सिर्फ दो बंदों के कंफर्ट के लिए होती है और मुझे लगता है जिस एक बंदे ने अपना सपना पूरा किया है अपने पार्टनर के साथ यहाँ बैठेगा बहुत खुश रहने वाला है और यहाँ पर बहुत सारे पर्सनलाइजेशन विकल्प दिए हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जैसे आप चाहते हो यहाँ पर बैठ तो ये आपका एक केवन बन जाएगा जहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उधर वाला भी ऑन हो जाएगा आराम से आप अपनी परिचर्चा कर सकते हैं अब मैं आपको फ्रंट सीट पर लेके चलता हूँ दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया गया है इस नई ई क्लास में जब आप लग्जरी से रूबरू हो रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट लगती हैं खास करके आजकल के जो फीचर्स हैं ना अब लग्जरी कार कंपनी ने बहुत अच्छे से देना शुरू कर दिया है तो यहाँ पर देखिए कितना सुकून दिया इन्होंने कि आपके सारे मतलब अगर आपको एक्सेस करना है तो सब कुछ इजी कर दिया इजी बना दिया अभी तक क्या होता था दूसरे तरीके से दिखता था लेकिन यहाँ पर आपको यह मिल जाएगी जैसे फ़ोन आप कनेक्ट कर लीजिएगा यहीं पर आप ऐप्स बहुत सारे उन्होंने दिए हैं ऐप वगैरह यहाँ से कनेक्ट करिएगा इस्पोटीफाई वग़ैरह और एक आप एम बी यू एक्स भी इसमें आता है जो कि अब बहुत अच्छा हो चुका है कंफर्ट पे जाइएगा तो यहाँ से पूरी सीट वगैरह का पूरा आप देख सकते हैं एम्बियट लाइट्स 64 मिलती है आपको मल्टी कलर यहाँ पर मिल जाते हैं साथ में एक फ़ीचर इन्होंने दिया हुआ है इस जगह पर अगर पीछे से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो यहाँ पर रेड साइन से आपको बता द, बता देगा कि भाई यहाँ पर कुछ खतरा है अभी रुक जाइए पीछे गाड़ी जाने दीजिए फिर गेट खोलिएगा तो ऐसे ऐसे फ़ीचर्स भी इसमें दिए गए हैं तो मतलब ये इस तीन स्क्रीन जिस तरीके से आपको एक स्क्रीन ही मिलती है एक यहाँ एक यहाँ पे मतलब कुल मिलाकर ये वाली स्क्रीन देख लीजिए ऑन कर दिया और यहाँ पर आप पूरा जो सेटअप बनाएंगे ना पूरा नेक्स्ट लेवल है देखिए आप ऐड यूज़र कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पर जो आप यहाँ करेंगे इस पर बैठ कर बंदा भी वो ऑपरेट कर सकता है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इस गाड़ी में साथ में यहाँ पर फ़ीचर्स की ही बात करेंगे ज़्यादातर क्योंकि इसमें फ़ीचर्स ऐसे ऐसे हैं कि बहुत मज़ा आ जाएगा और आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके पूरा आसपास पार्किंग उसको देख सकते हैं कैमरा व्यूज़ आप देख सकते हैं सारे एंगल पे जिस एंगल पर देखना चाहते हैं ये पता चल जाएगा जैसे गेट खुला हुआ है तो दिखा रहा है थ्री में कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ये बहुत मतलब क्रिस्टल एंड क्लियर क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है कंपनी भी उस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है मैं एक बार इसका ये जरूर करूँगा कि रिवर्स में आपको दिखाऊँ कि कैमरे की क्वालिटी किस तरीके से ये लोग ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर तो ये आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं तो भैया अभी इस जगह पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर क्या क्या आपको मिलता है देखिए इस एक तो स्टियरिंग बहुत अच्छा लगा है मुझे जिस तरीके का दिया गया है एक गोलाकार इलेक्ट्रिकली इसे भी आपको ऊपर नीचे ऐसे करना है अगर टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं पैडल शिफ्टर का अंदाज़ बहुत अलग रखा हुआ है इन्होंने और बाकी जैसे आप मर्सिडीज़ में करते हैं इसका जो आपको चाहिए वो देख लीजिएगा असिस्टेंस आ जाएगा सर्विस नेविगेशन भी पूरा इस पर दिख सकता है पूरा आप जब ड्राइव कर रहे हैं आपको चाहिए अपने हिसाब से स्पोर्ट ये सब सबको देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी तीन किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी वैसे डीजल में भर भर के माइलेज देती है मुझे माइलेज से टेंशन ही नहीं, नहीं है इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल वगैरह आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं पैडल शिफ्टर दिए गए हैं उसे भी चलाइएगा मर्सरीज का पूरा सिस्टम जिस तरीके से गियर लगाते हैं वो यहाँ पर होता है जिन्हें जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता है ना मर्सरी चलाने कभी जाओगे ना तो ये देखिएगा यहाँ से आपको ये जब डी पे लेके जाओगे इसका मतलब आप ड्राइव कर सकते हो न्यूट्रल करना है या गाड़ी खड़ी करनी है तो यहाँ पर इस साइड में एक बटन होता है इसे दबाओगे तो पी पे चली जाएगी और रिवर्स करना है ऊपर कर देना रिवर्स हो जाएगा तो सिखा नहीं रहा हूँ मैं चलो मैं देख रहा हूँ तो आपको भी दिखा दूँ यहाँ पे फिलहाल हम तो चलाते ही रहते हैं यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन कुछ इस तरीके से दिया गया है अगर और चीजों की बात की जाए तो मुझे जो अच्छा लगा है वो बताता हूँ कि अब इतने सारे टेक फीचर्स की बात करें तो एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि जैसे अभी तक क्या होता था कि वर्क फ्रॉम होम होता था वर्क फ्रॉम कार भी कर सकते हैं देखिए सेल्फी कैमरा दे दिया है यहाँ पे तो आप मीटिंग वूटिंग कर सकते हैं बाकायदा जब हम इसे ड्राइव करेंगे ना तो वाला फ़ीचर आपको एक्सपीरियंस करके अच्छे से दिखाएंगे कि किस तरीके से चलता है और यहाँ पर जो आपको ड्राइव मोड मिलते हैं जैसे ई e हो गया सी हो गया एस हो गया आई यहाँ पर आपको इसी तरीके से मिलने वाला है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आप ड्राइव मोड देखना चाहते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर जो आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत सारे फीचर्स मर्सिडीज़ की बताने की जरूरत नहीं आपको सब में मिलता है पारक्रॉनिक हो गया मैनुअल शिफ्टिंग हो गया सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी तो इसका जिक्र ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्या मिलता है देखिए एक तो ये दिया हुआ है जैसे नेट चलता रहे साथ में देखिए सी टाइप दो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिलते हैं होल्डर की जगह दी गई है और ये जब बंद होता है तो बहुत खूबसूरती से बंद हो जाता है ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और इसको मैं फ़िलहाल प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर आपको एक बढ़िया कंपार्टमेंट मिलता है एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट के साथ में तो इस मोबाइल इस गाड़ी में अगर बात करेंगे तो दो, दो चार एक पाँच 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 फ़ोन तो आराम से सी टाइप चार्जिंग से चार्ज हो सकते हैं यू टाइप कुछ भी नहीं है यहाँ पर और एक जगह ये दी गई है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं बढ़िया से ये स्पेस काफ़ी अच्छा है सीट काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दी गई है मैं ढूंढ रहा हूँ क्या इसमें वेंटिलेशन का विकल्प दिया गया है नहीं दिया है यार मुझे लगता है वेंटिलेटर सीटें होनी चाहिए देते क्यों नहीं है भगवान जाने अब यही जानते हो कि हमें तो नहीं पता है अब यहाँ से क्या कर सकते हैं दो बटन आपको मिलता है तो यहाँ से आप पीछे जो विंड स्क्रीन है उसका एक कर्टेन ऊपर आता है जिससे आपका आपको एक, एक स्पेस मिल जाए ज़्यादा धूप वगैरह हो आप चाहते हैं कि वो बंद रहे तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं पूरा बटन यहाँ पर दिया गया है यहीं से पूरा आप एक्सेस कर सकते हैं जैसे ऑलरेडी आप मस्जिद की गाड़ियों में करते हैं तीन मेमरी फंक्शन मिल जाते हैं यहीं से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं और इस सीट की कुशनिंग की बात करें तो मुझे बहुत अच्छी लगी है और मुझे लगता है कि वेंटिलेशन का विकल्प अब देना चाहिए मर्सिडीज को क्योंकि काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं और प्रीमियम कैटेगरी में ऐसे फीचर्स जब छोटी छोटी गाड़ियों में आते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर भी होना जरूरी है सात एयरबैग स्टैंडर्ड हैं सेफ्टी के तौर पर बहुत अच्छी चीज़ होती है और यहाँ पर मतलब ये तो ना भी होता तब चलेगा आप सब जानते हो लाइट के साथ में खूबसूरत बैनिटी मिरर यहाँ पे आता है सनवाइज़र पर बहुत अच्छा दिया गया है तो ये सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी अच्छी मुझे लग रही हैं और क्या करता हूँ आपको ये ज़रा कैसे बंद होता दिखाता हूँ तो ये इधर आ जाएगा और वो भाई साहब पीछे चले जाएंगे तो पूरी तरीके से ये बंद हो जाएगा और एक बार सनरूप भी एक्सेस करके देखना तो बनता है आप भी देख मैं हूं आपको खुलेगा वो मैं देखना चाह रहा हूँ तो सनरूप कुछ इस तरीके से एक्सेस होगा अरे ये ये बहुत सॉफ्ट टच मतलब टच वाला है थोड़ा सा देखना पड़ेगा बट और जाएगा पीछे ये स्वरूप यहाँ पर खुल गया है और इस तरीके का स्वरूप आपको मिलेगा तो इससे आपको आइडिया लग सकता है बाकी चीज़ों का जिक्र किया जाएगा ये बहुत मतलब बहुत सेंसिटिव होता है तो ज़्यादा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं जितनी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तो कुल मिलाकर स्पेस की बात करेंगे और अगर पीछे वाली सीट की बात करेंगे फीचर्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बदलाव किए हैं मर्सिडीज़ ने वो काफ़ी परफेक्ट बन पड़े हैं और आज के ज़माने के हिसाब की गाड़ी बन चु बन चुकी है एग्जीक्यूटिव जो लोग मतलब कमाते हैं अच्छा पैसा अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं या बिजनेस जो चलाएँगे इसे मुझे लगता है उनके लिए एक बढ़िया जगह रियर में उन्होंने ऑफ़र किया है और इस एक्सटेंडेड व्हील बेस में जो जरूरी चीज़ें चाहिए थी अब अब एग्जीक्यूट हो गई हैं कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग हैं मुझे लगता है धीरे धीरे कंपनी शायद उस पर काम करेगी उसका जिक्र बाद में किया जाएगा अभी मैं दिखाता हूँ इसका इंजन और फिर बिदा लेंगे इस वीडियो से तो चलिए आपको दिखाते हैं बढ़िया इंजन यहाँ पर मिलेगा जो गाड़ी खड़ी है बेसिकली ये डीजल इंजन वाली है तो ये पेट्रोल और डीजल में आती है तो इसका जो पेट्रोल है वहाँ पे आपको जो पावर आउटपुट मिलता है वो 150 फिफ्टी के डब्ल्यू के आसपास का होता है और 320 ट्वेंटी एन uh, एम के आसपास में टॉल देता है और दो सौ तैंतीस किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी टॉप स्पीड है स्पी लेकिन इस गाड़ी की अगर बात करें एग्जैक्टली exactly, तो यहाँ पर जो टॉर्क मिलता है 440 प्लस 205 सौ पाँच एन एम दो सौ क्योंकि ये इसमें हाइब्रिड सिस्टम भी आता है और जो इसका पावर uh, आउटपुट है वो 145 फोर्टी फाइव पी uh, एस के आसपास का है हंड्रेड फोर्टी फाइव का है और इसकी टॉप स्पीड दो किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की है और यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ें मिलती हैं देखिए इंसुलेशन किस तरीके से किया जाता है इतनी महंगी गाड़ियाँ ऐसे नहीं होती हैं मतलब तो ये अलग ही क्वालिटी इन्होंने यूज़ की है और जो ये पैकेजिंग वगैरह दिया गया है काफ़ी अच्छा मुझे देखने में लग रहा है और सेफ्टी के लिहाज से देखेंगे जो एक जहाँ पर सिस्टम बनाएगा जो क्रम्पल जोन अगर वो साइड से उठाकर कर यहाँ तक देखेंगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इसे कर क्या करते हैं बंद कर देते हैं देखते हैं यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है नहीं सॉफ्ट टच नहीं है तो कुछ ज्यादा तेज गिर गया और आपको बता दूँ पांच रंगों के विकल्प हैं तीन ऑप्शन इंटीरियर के मिलते हैं जो कि आप अपहोल्स्ट्री में चूज कर सकते हैं कीमत वगैरह तो अभी हमें नहीं पता है तो कीमत हम नहीं बता रहे हैं लेकिन जो इसमें बदलाव किए गए हैं और जिस तरीके की चीज़ें दी गई हैं मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है लग्जरी का जहां पर बहुत सारे लोग जब इस गाड़ी को ख़रीद रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिकती है पूरी दुनिया में लोग बहुत पसंद करते हैं तो मुझे लगता है वहाँ पर द न्यू ई क्लास मतलब एक्सटेंडेड व्हील जो गाड़ी अच्छे बदलाव के साथ में आई है लोगों को पसंद आएगी आपको ये लग्जरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में